दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कैसे करता हूं। वीडियो को बनाने के लिए ना ही मेरे पास कैमरा है और ना ही अच्छा कैमरे वाला कोई फोन है। मेरे पास माइक भी नहीं है और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये एक दीवार के पास रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे पास स्टूडियो भी नहीं है। वीडियो को एडिट करने के लिए मेरे पास अच्छा सा लैपटॉप भी नहीं है। मैं अपने फोन से वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। मेरे पास जो लैपटॉप है वो लिनोवो का G560 मॉडल है और ये एक बहुत ही पुराना मॉडल है और इस पर वीडियो एडिटिंग करने से अच्छा कि मैं अपने फोन से ही वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। मेरे पास वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए Realme 2 का फोन है और इसका कैमरा क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होता और अगर आपने इसे यूज किया हुआ है तो आपको पता ही होगा। और ना ही मेरे पास अच्छी साउंड के लिए माइक है और बिना इन सब के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में कि मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ अपनी वीडियो को। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा सा माइक हो या कम से कम एक अच्छा सा फोन हो और वीडियो को एडिट करने के लिए लैपटॉप हो तो ही हम जो है वीडियो को यूट्यूब पर के लिए वीडियो बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सब सोचना छोड़ दोगे। दोस्तों इस वीडियो को मैं Realme 2 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने अपने फोन को ट्राइपॉड से लगाया हुआ है। आप ऐसे ही किसी चीज पर भी रखकर रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप ट्राइपॉड खरीदना चाहते हो तो ये आपको 300 से 400 रुपए के बीच मिल जाएगा। ये ज्यादा जरूरी वैसे तो नहीं होता जब आप शुरुआत कर रहे हो। तो मैंने भी इसे यूट्यूब की पहली पेमेंट मिलने के बाद खरीदा था। मैं जब वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ तब ये कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं अपने घर के दीवार के पास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ एक ग्रीन बैकग्राउंड लगाया हुआ है। अगर आप चाहो तो इस तरह का बैकग्राउंड लगा सकते हो या फिर आप इसके बिना भी जो है आपका काम चल जाएगा अगर आपके दीवार का कलर वाइट ना हो तो। चाहे तो आप ये पर्दा खरीद सकते हैं। ये आपको 300 से 400 के बीच आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप इसे अमेजोन से खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी इसे परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वीडियो पर लाइट के लिए बस एक बल्ब लगा हुआ है मेरे सामने वाले होल्डर में। इसके बिना वीडियो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं माइक नहीं होने के कारण वीडियो को बहुत ही पास से रिकॉर्ड करता हूँ। फैन को बंद कर ले, इससे नॉइज कम हो जाएगा। अब हम अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए मैं पावर डायरेक्टर ऐप का यूज करता हूँ। आप काइन मास्टर ऐप का भी यूज कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम ही होता है। सबसे पहले हम अपने वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज करेंगे पावर डायरेक्टर में। इसके लिए पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट खोलेंगे। यहाँ यूट्यूब फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। अब हम अपने फोन से एक बैकग्राउंड के लिए इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। आप कोई भी इमेज अपने बैकग्राउंड में दे सकते हैं। अब हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। अब वीडियो में जो भी कलर का बैकग्राउंड है उसे हटाने के लिए वीडियो लेयर पर क्लिक करके एडिट के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्रोमा की को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड में जो कलर है उसे पिक करके कुछ इस तरीके से इसे हटा लेंगे। अब हमारा वीडियो इस तरीके से दिखने लगेगा। अब हम बैकग्राउंड के अनुसार से वीडियो के कलर को एडजस्ट करने के लिए एडिट पर क्लिक करके कलर टूल को लेंगे और जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और फिर हम यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे और ये वीडियो हमारा तैयार हो गया है अपलोड करने के लिए। और भी बहुत सारे फीचर आपको पावर डायरेक्टर या फिर काइन मास्टर में मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं पावर डायरेक्टर या काइन मास्टर ऐप पर एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बोले। अगर ज्यादा कमेंट आया तो मैं इस पर भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक करके जाए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा दें।